हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक कुकिंग बाय रोशनी। तो जब भी हम होटल्स में डिनर के लिए या लंच के लिए जाते हैं तो हैदराबादी मिक्स वेज हमारी पसंदीदा सब्जियों में से एक होती ही है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और चटपटी सब्जी होती है। तो यही सब्जी हम घर में कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से, उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब्जी बनाने के लिए फटाफट कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस पर एक बर्तन रख देंगे और उसमें ऐड करेंगे हम लोग टमाटर। तो यहाँ मैंने दो छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और हमें इसे टमाटर को कुक करना है। तो ये टमाटर बर्तन में लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड किया है इसमें, और ये टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो है काजू। तो यहाँ पे हम लोग काजू की ग्रेवी का यूज़ करने वाले हैं अपनी हैदराबादी मिक्स वेज बनाने के लिए। इसके बाद मैंने इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए दो इलायचियाँ डाल दी हैं और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम कुक करेंगे, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर अब थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और उसका पानी जो है वो भी एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये हमारा टमाटर अच्छे से कुक हो गया है। अब गैस को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमें इसका पेस्ट बनाकर रख लेना है। तो ये हमारी एक तैयारी यहाँ पर पूरी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने एक सेम वही बर्तन रख दिया है गैस के ऊपर और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 ग्लास के करीब पानी और 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब हमें सब्जियों को थोड़ा बॉईल करना है। तो ये आलू है और गोभी मैंने लिया है इस तरह से कट करके, तो इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने आलू और गोभी पहले कुक करी हूँ और उसके बाद बाकी की सब्जियों को हम लोग कुक करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक इस तरह से हम लोग सब्जियों को मतलब आलू और गोभी को बॉईल कर लेंगे। तो जब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा तो हम लोग इसे निकाल लेंगे पानी से बाहर। तो हमें इसे 80% तक ही कुक करना होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है सब्जियाँ, नहीं तो फिर वो उसका लुक अच्छा नहीं आता है सब्जियों का और टेस्ट भी चला जाता है। इसे मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग दूसरी जो सब्जियाँ हैं जैसे कि बीन्स, कैरेट और यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं, तो इसे भी हम लोग बॉईल करेंगे, लेकिन इसे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है। 2 से 3 मिनट काफ़ी होगा इसे बॉईल करने के लिए और इसे भी बॉईल करने के बाद तुरंत हमें ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालने से फ्रेंड्स क्या होता है कि सब्जियों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं रुक जाता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होती है पानी से निकालने के बाद, इसलिए आप ज़रूर ठंडे पानी में उसे डाल दीजिए। उसके बाद ये पालक मैंने ले लिया है क्योंकि हम लोग नवाबी हैदराबादी मिक्स वेज बना रहे हैं कुछ स्पेशल सा, तो उसमें पालक भी ऐड करनी होती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी पालक को इस तरह से कट कर बॉईल कर रही हूँ मैं, और इसे भी सेम प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे 2-3 मिनट बॉईल करने के बाद और ठंडे पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कुछ तैयारियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं एक्चुअल सब्जी बनाने की तरफ। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें ऐड कर दिया है ऑयल। चाहें तो इसे घी और ऑयल दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। तो एक बार जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा, जिस तरह से हम नॉर्मल सब्जी में तड़का लगाते हैं सेम उसी तरीके से। उसके बाद इसमें स्पेशली अजवाइन का तड़का पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन डाल दी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो बड़ी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं बट हाँ मीडियम मीडियम कट कर लिया है। और अब हम ये प्याज को अच्छा ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसे 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे ड्राई स्पाइसेस होते हैं जैसे हम रोज़ की सब्जियों में यूज़ करते हैं वो सब इसमें 1 बाय 1 ऐड करेंगे। तो इसमें गया ये हल्दी पाउडर और उसके बाद मिर्ची पाउडर, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड किया है। तो आप जिस भी क्वांटिटी में सब्जी बना रहे होंगे उस हिसाब से ये सारे मसाले आपको ऐड करने हैं। और इसमें अब मैंने डाल दिया एक धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और सभी मसालों को हम लोग 1/2 मिनट तक अच्छे से भूंज लेते हैं। और उसके बाद हमने जो ग्रेवी तैयार की थी टमाटर और काजू की स्टार्टिंग में, उसे हम अब इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इसमें ग्रेवी मैंने ये ऐड कर दी है और अब अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे कुक करना है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये सब्जी बनाई जा सकती है फ्रेंड, बट जो तरीका मुझे बेस्ट लगता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो वही रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें से हल्का हल्का ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। कवर कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद इतने अच्छे से इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है और यही पहचान है कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने सब्जियां बॉईल करके ले ली थी वो 1 बाय 1 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बीन्स, कैरेट और जो गोभी और आलू को मैंने बॉईल किया था वो डाल दिया मैंने इसमें।
इसके बाद हम लोगों ने जो पालक को बॉईल किया था वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें पालक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या इस तरह से जस्ट बॉईल करके भी पालक को ऐड कर सकते हैं। और सभी सब्जियों को अब हम लोग मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हमने सब्जियों को 80% तक पहले ही कुक कर लिया है, तो अब हमें इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस सब्जियाँ एक बार अच्छे से मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ और हल्का सा बस इसे हमें कुक करना होता है मसालों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट भी अब ऐड करेंगे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे और बस 1 या 2 मिनट के लिए मसाले के साथ हम इस सब्जी को कवर कर कुक कर लेंगे। तो ये जो सब्जी है फ्रेंड्स, बनाने में तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, बट होटल में हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ती हैं ये सारी सब्जियाँ, बहुत ही कम बजट में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसे कवर कर पकाया और उसके बाद ये सब्जियाँ अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तो जितनी भी क्वांटिटी में आपको मतलब ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक हम लोग पानी के साथ इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अभी आपको हो सकता है थोड़ी पतली लग रही हो, लेकिन थोड़ा कुक होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद अच्छा सा बॉयल आ गया है सब्जी में और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सब्जी बनाते समय हो सके तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ कीजिए, जिससे ये सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये मलाई है, तो यहाँ पे मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब मलाई डाल दी है। मलाई से बहुत ही अच्छा सिल्की सा क्रीमी टेस्ट आता है इस सब्जी में, जैसा होटल्स में मिलता है उस तरह का एकदम टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे इसके जायके को बढ़ाने के लिए 1 हरी मिर्च मैंने डाला है, उसके बाद बहुत सारा हरा धनिया और उसके बाद हम लोग इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे और उसके बाद हमारी ये हैदराबादी मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी लगती है और आप इसे रोटी नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।